देश की आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले गोरखपुर के चौरी चौरा कांड की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी की इस लड़ाई के दौरान 5 फरवरी 1922 में ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आंदोलनकारियों ने आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। तभी से इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इतिहास के पन्नों में इसे जो जगह मिलनी चाहिए थी वो जगह नहीं मिल सकी। उस दौरान हुई घटना का जिक्र आज भी चौरी चौरा थाने के रजिस्टर नंबर 8 में बाकायदा दर्ज है। आजादी के बाद चौरी चौरा थाने में जिंदा जले सिपाहियों के स्मृति में एक पार्क बनवाया गया, जो इस समय जीर्ण छीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। पार्क का कायाकल्प करने के लिए SP नॉर्थ गणेश साहा ने पहल की और पार्क के सुंदरीकरण का कार्य शुरू कराया, जिसमें पुलिस विभाग से फंड भी उपलब्ध कराया गया है और पर्यटन विभाग का भी इसमें सहयोग मिल रहा है। SP नॉर्थ गणेश साहा का कहना है कि नई पीढ़ी को इतिहास का ज्ञान मिले, इसके साथ ही उन्होंने पार्क में मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। पर्यटक इस स्थान से प्रभावित होंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ गणेश साहा ने बताया कि पुलिस कर्मियों के जिंदा जलकर हुई मौत का जिक्र थाने के रजिस्टर नंबर 8 में दर्ज है, उसे वह शिलापट पर दर्ज कराया जाएगा। इस संबंध में आगे जानकारी देते हुए गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान SP नॉर्थ गणेश साहा ने बताया, पूरा आ जाए एक बार जल्दी। देखिए, चौरी चौरा जो ऐतिहासिक थाना है और थाने के जो सेटअप है और थाने के पीछे ही शहरी स्थल बना हुआ है। सर्वप्रथम SHO को निर्देशित किया गया है कि आप थाने की स्वच्छता में कोई कम्प्रोमाइज नहीं करें और थाने की जो ऐतिहासिकता है उसको बरकरार रखें। अभी मेरे द्वारा भ्रमण किया गया था तो मेरा प्रयास ये रह रहा है कि जो मूल रूप से जो थाने जो प्राचीन थाने थे जहाँ आगजनी की घटना हुई थी और उसके बाद जो थाना का निर्माण हुआ था, तो सारी चीज़ों को जो बाहर से पर्यटक आते हैं या फिर आसपास के लोग आते हैं, एक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इसको डेवलप किया जाए
और दूसरा ये है कि जो आसपास के लोगों को जानकारी दी जाए कि किस तरह चोरी चोरी की घटना हुई थी और उसके बाद क्या क्या स्टेप उठाए गए थे। इसके बाद रजिस्टर नंबर 8 है उसमें पूरी घटना का उल्लेख है, उसको भी हम सिले पट पे प्रेरित करेंगे ताकि जो बाहर से लोग आते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है वो पढ़ सकें। शहरी स्तर में साफ सफाई का अभाव था, वहाँ साफ सफाई कराई जा रही है, कुछ हमारे पास फंड है जिसके आधार पर आपको उसका रेनोवेट किया जा रहा है। कोशिश ये रहेगी कि बाहर से जो भी लोग आते हैं उनको बिना पूछताछ के ही जो वहाँ जो घटना हुई थी जो ऐतिहासिक था उसकी जानकारी हो जाए और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और हमारे द्वारा भी इसको मॉनिटर किया जाएगा। जी जी, पर्यटन विभाग से सहयोग मिल रहा है, पर्यटन विभाग को बताया गया है कि आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप डेवलपमेंट करें और उनके भी प्रोजेक्ट है वो अपने हिसाब से देख रहे हैं। एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, थाने के स्तर पे हमारे स्तर पे जो चीज़ें हो सकती है उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ।